शालिनी, आज तुम क्या खाना पसंद करोगी? पापा आज पनीर का कुछ बनाओ। पापा मैं भी पनीर खाऊंगी। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस फूड। आज मैं बनाने वाला हूँ आप लोगों के लिए पनीर स्क्वायर्स, इसको आप पनीर शाश्लिक भी बोल सकते हो। उसके लिए मैं पनीर, ग्रीन कैप्सिकम और ओनियन क्यूब काट चुका हूँ थोड़ा मीडियम साइज में। अभी मैं उसमें मिक्स कर रहा हूँ पनीर के मसाले, जो पनीर के मसाले मैं बनाया हूँ वो आपको थोड़े टाइम में रेसिपी दिख जाएगा। तो अभी मैं पनीर और कैप्सिकम ओनियन को अच्छे से मिक्स कर लिया हूँ मसाला के साथ। तो दोस्तों, आप लोगों को ये रेसिपी घर पे बनाना है तो आपको एंड तक वीडियो देखना पड़ेगा। तो मैं अभी कैप्सिकम ओनियन एंड पनीर को स्टिक में डाल देंगे, इसको साथे स्टिक बोलता है। आप नॉर्मल शॉप पे या ऑनलाइन में अमेजन फ्लिपकार्ट में आपको मिल जाएगा, आप ऑर्डर करके मंगा सकते हो साथे स्टिक। तो मैं पहले कैप्सिकम डाला हूँ एक, उसके बाद एक पनीर का क्यूब डाला हूँ, उसके बाद मैं एक ओनियन डाला हूँ, उसके बाद फिर पनीर डाला हूँ, उसके बाद एक ग्रीन कैप्सिकम, उसके बाद पनीर एंड उसके बाद कैप्सिकम। तो आप इसमें रेड येलो कैप्सिकम भी यूज कर सकते हो या अदर कोई वेजिटेबल भी डालना है, मशरूम वगैरह आपको जो पसंद है वो भी आप डाल के बना सकते हो। तो मैं एक एक करके मैं स्टिक में लगा लूँगा। अभी मैं बना रहा हूँ पनीर के मसाले, उसके लिए हम दही ले चुका हूँ 30 ग्राम, उसमें डाल रहा हूँ 20 ग्राम कश्मीरी मिर्ची पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर 5 ग्राम, रेड चिल्ली पाउडर 5 ग्राम, तंदूरी पाउडर 5 ग्राम, जीरा पाउडर 3 ग्राम और कोरिएंडर पाउडर 5 ग्राम। उसमें डालेंगे थोड़ा से गरम मसाले 2 ग्राम तक और ऑयल 10 से 15 ml, और उसमें डालेंगे थोड़ा सा चॉप कोरिएंडर। ये डाल के हम मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसमें डालेंगे लेमन जूस 5 ml। अभी हम लोग मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे